प्रणति आईएएस ऑनलाइन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं जो पिछले वीडियो में जो चीज़ थोड़ी सी बाकी रह गई थी उसकी चर्चा करते हुए आगे एक नवीन विषय पर चर्चा कर रहा हूं, और वह है आपको विश्व के महादेश एवं पर्वत कंटिनेंट्स एंड माउंटेन्स ऑफ वर्ल्ड के बारे में आपको चर्चा करूंगा। पिछले वीडियो में थोड़ा पर्वत के बारे में छूट गया था, उसकी भी चर्चा करूंगा। यहाँ दिया हुआ है विश्व में कितने महाद्वीप या महादेश हैं और उसके कितने प्रकार हैं और उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उन सब के बारे में आज चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ विश्व में 7 महाद्वीप है जो आकार की दृष्टि से घटते क्रम में मैं इस तरह से सजा दिया हूँ, क्योंकि यह भी पूछता है विशेष करके UPSC में यह पूछता हुआ है। तो सबसे बड़ा जो आकार की दृष्टि से एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा जो महाद्वीप या महादेश जिसको हम लोग कहते हैं वह सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलिया है आकार की दृष्टि से, और सबसे बड़ा जो है सो एशिया है। इसको ध्यान रखेंगे। यह पूछता है अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ देख रहे होंगे यह अफ्रीका है, यहाँ ऊपर में कर्क रेखा है, इसमें भूमध्य रेखा है और ये मकर रेखा। अफ्रीका ही एक ऐसा महादेश है जहाँ पर आपको तीनों रेखाएं एक साथ गुजरती है, ऊपर में कर्क रेखा, नीचे में मकर रेखा, बीच में भूमध्य रेखा गुजरती है। ये भी प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अंटार्कटिका को हम लोग श्वेत महादेश या महाद्वीप कहते हैं, अफ्रीका को हम लोग अंध महाद्वीप या महादेश कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप, वर्षा की कमी के कारण इसको प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका जो है पक्षियों का महाद्वीप या महादेश कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं प्रत्येक महादेशों में देशों की संख्याओं पर भी थोड़ा चर्चा करें, जो कुछ प्रमुख महादेश हैं उसके बारे में चर्चा कर दे रहे हैं। अफ्रीका में 54 देश हैं, यूरोप में 51 देश हैं, आपको एशिया में है 49 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया में 3 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो खोजकर्ता है आपको एबल तस्मान है और कप्तान जेम्स कुक है, ऑस्ट्रेलिया के जो खोज करता है उनके बारे में मैं बता दिया हूँ। अब हम आते हैं जनसंख्या के घटते क्रमानुसार महाद्वीप और महादेश में। एशिया जो है जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद यूरोप है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है, उसके बाद अन्य है। हम एक दो जो घटते क्रम में 4 को बता दिया हूँ, 4 ही काफ़ी होता है पूछने के क्रम में, UPSC में 4 से ज़्यादा नहीं पूछता है, इसके बावजूद भी इसमें हमने सब दे दिया, इसमें 4 दे दिया। प्रत्येक महादेशों की सर्वोच्च लंबी पर्वत श्रेणियाँ के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं, क्योंकि इस पर विस्तार से फिर से चर्चा करना है। उत्तरी अमेरिका जो है, यहाँ उत्तरी अमेरिका है, आप जान ही रहे हैं, आपको 7 जो महाद्वीप हैं उनके बारे में आपको चर्चा करें। ये उत्तरी अमेरिका है, ये आपको दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ आपको यूरोप है, ये एशिया है और यह अफ्रीका है और यह ऑस्ट्रेलिया, 6 हो गया। और इधर जो है सो आपको अंटार्कटिका है, यह अंटार्कटिका है, आपको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अंटार्कटिका, तो यह जो है अंटार्कटिका है आपको। इसलिए ये 7 जो है इसके बारे में आज चर्चा करूँगा। उत्तरी अमेरिका में जो है आपका इसका रॉकी पर्वत श्रेणी है, और रॉकी पर्वत श्रेणी 4800 किलोमीटर में है। विस्तार इसका किस किस देशों में है, तो कनाडा, यहाँ इस कनाडा एरिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, मैक्सिको तक यह फैलाव है इसका। विश्व की सबसे लंबी श्रेणी में एंडीज पर्वत श्रेणी है जो आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है, इसका बहुत लंबी है जिसमें 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसका जो है रॉकी पर्वत श्रेणी का 4800 किलोमीटर है, काफ़ी
छोटी है, इसे एंडीज पर्वत श्रेणी से, इसलिए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी में एंडीज पर्वत श्रेणी है। इसका विस्तार है वेनेजुएला है, इक्वाडोर है, पेरू है, बोलिविया है, चिली है, अर्जेंटीना है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम अफ्रीका में आते हैं, एटलस पर्वत श्रेणी है जो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको आते हैं यूरोप में, यूरोप की सबसे बड़ी श्रेणी जो है स्कैंडिनेविया पर्वत श्रेणी है, स्कैंडिनेविया का देश ये है, और स्कैंडिनेविया में आपको बतला ही थे नॉर्वे, स्पेन, ठीक है ना। तो यह जो है आपको स्कैंडिनेविया के देश आते हैं, तीन देश आते हैं, नॉर्वे आपका, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, या नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आपको आता है। यूरोप की सबसे बड़ी श्रेणी है स्कैंडिनेविया पर्वत श्रेणी, स्कैंडिनेविया का आपका देश, तीन आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इसको ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी है एशिया में है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, अंटार्कटिका है। तो ये सात जो महाद्वीप और महादेश है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम महाद्वीप और महादेश को कई भागों में बांटा जाता है, उसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहला है अधि महाद्वीप, सुपर महाद्वीप। अधि महाद्वीप और सुपर महाद्वीप जो होता है, एक से अधिक महाद्वीप भाग मिलकर बने हुए स्थलखंड जो भूगर्भिक काल में बने थे, जिनका विभाग ही वर्तमान काल का महाद्वीप है। जैसे शुरू में क्या हुआ था, आपको बता दें कि यह पूरा जो ये सब एक थे, ये सभी एक थे, तो वह क्या हुआ आपको बता दें, वह जो हुआ है आपको बता दें, सभी एक थे तो वह उसको कहते थे पैंजिया, उसको हम लोग कहते थे पैंजिया, आपको कहते थे, मैं आपको यहाँ पर चित्र बना दे रहा हूँ, सभी एक आपको, सभी एक थे उसको हम लोग पैंजिया कहते थे, पैंजिया कहते थे, सभी पहले एक थे, एक लैंडमास एक थे। पैंजिया में उत्तर की ओर खिसका हुआ, दक्षिण की ओर खिसका हुआ, तो ऊपर में आपको लॉरेंसिया, लॉरेंसिया, लॉरेंसिया जो है, लॉरेंसिया का निर्माण हुआ। दो लैंडमासेस, एक नॉर्थ की ओर गया, एक साउथ की ओर गया, यहाँ नॉर्थ की ओर आपको देख रहे हैं मूवमेंट, ये साउथ की ओर, तो ये लॉरेंसिया हुआ, और इधर जो है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, तो ये आपका क्या हुआ, और बीच में जो है टेथिसीज हुआ, इसमें बीच में टेथिसीज, तो यह जो, और इसी से फिर विखंडन हुआ, और इसके विखंडन के बाद में वर्तमान में ऐसी स्थिति बनी है। तो यह जो आपको, इसको कहा जाता है ऐसे लैंड मासेस जो शुरू में थे, पैंजिया, लॉरेंसिया, गोंडवाना लैंड जो थे, अधि महाद्वीप थे, जिसको हम सुपर महाद्वीप कहते हैं, सुपर कंटिनेंट कहते हैं। अब आता है दूसरा महाद्वीप है उप महाद्वीप कहलाता है, सब कंटिनेंट, एक बहुत बड़े भूभाग जो महाद्वीप के भाग होते हैं, जैसे आपको भारतीय उपमहाद्वीप को भी उपमहाद्वीप कहा जाता है, सब कंटिनेंट कहा जाता है। अब महाद्वीप के भाग होते हैं लेकिन बड़े भूभाग होते हैं, आपको महादेश या महाद्वीप की तरह बहुत बड़े नहीं होते हैं, उससे छोटे होते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़े भूभाग को उपमहाद्वीप का दर्जा दिया गया। तीसरा है जलमग्न महाद्वीप, जिसको समस्त कंटिनेंट कहते हैं, वैसे महाद्वीप का बड़े भूभाग जो समुद्र के नीचे डूब गए हैं उसको हम लोग कहते हैं जलमग्न महाद्वीप, समस्त समर्ज्ड कंटिनेंट कहते हैं, जिसमें जी लैंडिया कहते हैं जो न्यूजीलैंड के नीचे है, लेमुरिया है, ये सब उदाहरण आपसे पूछा जाएगा, ये बराबर उदाहरण आपसे पूछा जाएगा, लेमुरिया और जी लैंडिया कहलाता है, न्यूजीलैंड के नीचे है। सूक्ष्म महाद्वीप जिसको माइक्रो कंटिनेंट कहते हैं, द्वीप से बड़ा होता है लेकिन महाद्वीप से छोटा आता है, उदाहरण मेडागास्कर अफ्रीका के ईस्टर्न जोन में है, विश्व का चौथा बड़ा द्वीप के रूप में जाना जाता है। उसी तरह से वानस्पतिक महाद्वीप है, पौधे के वितरण के आधार पर जो डेटाबेस हेतु तैयार किया जाता है उसको हम वानस्पतिक
और महाद्वीप कहते हैं। तो इस तरह से आपको नॉर्मल जो कंटिनेंट है महाद्वीप है, इसके बारे में तो चर्चा किए हैं। तो अगर हम नॉर्मल महाद्वीप और महादेश के बारे में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 आपका महाद्वीप के प्रकार हो गए हैं, इसको ध्यान रखेंगे, जिसमें अधि महाद्वीप, सुपर महाद्वीप, उप महाद्वीप, जलमग्न महाद्वीप, सूक्ष्म महाद्वीप और वास्तविक महाद्वीप, इसको आप ध्यान रखेंगे। यह बराबर पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको विस्तार से बता दिया। अब मैं थोड़ा सा आ रहा हूं, आपको बतला दे रहा हूं कि यह यूरोप, इधर यूरोप है, इधर आपका एशिया है। तो आपको अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर पर्वत, पठार, पहाड़ियां और मैदान पाए जाते हैं। सभी जितने भी महाद्वीप है वह अंटार्कटिका को छोड़कर सभी पर आपको पर्वत, पठार, पहाड़ियां और मैदान पाए जाते हैं। यूरोप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल से में सबसे ज्यादा मैदानी भाग, सबसे ज्यादा मैदानी भाग यूरोप में पाया जाता है, इसलिए इसका यूरोप का जो चित्र है उसको हमने बता दिया। और अफ्रीका में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल से सबसे ज्यादा पठारी भाग पाए जाते हैं, अफ्रीका में पठार बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और एशिया में, एशिया में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा पर्वत और पहाड़ियां पाए जाते हैं एशिया में, जिसका चित्र बना करके हमने समझा दिया। और एक बात आपसे बराबर पूछा जाता है कि कौन प्लेट पर कौन पहाड़ अवस्थित है, ये भी बराबर पूछा जाता है। तो आपको बता देते हैं कि जितने भी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार पूरे जो लैंड मासेज है एक आपको प्लास्टिक सरफेस पर अवस्थित है, और वह उसको आप बड़ी मोटी प्लेट पर अवस्थित है, और उसी के खिसकाव से भूकंप होते हैं, उसी के खिसकाव और अलगाव से अलग लैंड मासेज बनते हैं। तो वह कहीं ना कहीं किसी प्लेट पर अवस्थित है। और यह जो है आपको अफ्रीकन प्लेट पर किलिमंजारो है, जो किलिमंजारो का पर्वत है, अंटार्कटिका प्लेट पर विंसन है, ऑस्ट्रेलिया प्लेट पर पुंचांग जाया है जो इंडोनेशिया में है, और कोजियोस्को जो है ऑस्ट्रेलिया में है, उत्तरी अमेरिका में देनाली और माउंट मैकेनली है, दक्षिण अमेरिका में एकांकागुआ है। ये महत्वपूर्ण जो आपके पर्वत है जो बहुत फेमस है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया था, तो वो सारे के बारे में प्लेट के बारे में पूछता है कौन किसके प्लेट है। तो किलिमंजारो अफ्रीका में है तो अफ्रीकन प्लेट याद हो जाएगा, अंटार्कटिका विंसन अंटार्कटिका में है तो याद हो जाएगा, आपको कोजियोस्को जो है ऑस्ट्रेलिया में है, और पुंचांग जाया बहुत सारे जो है तो इंडोनेशिया में, लेकिन बहुत सारे ज्योग्राफर उसको ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में मानते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी तो नहीं स्पष्ट है कि इंडोनेशिया में, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं, इसलिए चलिए ऑस्ट्रेलिया प्लेट के आधार पर कुछ लोग मानते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया प्लेट में अवस्थित है। और देनाली माउंट मैकेनली तो जान ही रहे हैं, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में अकांकागुआ है, इसलिए याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, केवल पुंचांग जगह को ऑस्ट्रेलिया में रख लेंगे, इसको आपको याद रह जाएगा। मैं थोड़ा सा इधर आ रहा हूँ, नेक्स्ट में आ रहा हूँ, यूरोप की दूसरी बड़ी नदी जो है, प्रथम यूरोप की दूसरी बड़ी नदी जो है आपको डेन्यूब नदी जो है आपको निकल करके ब्लैक सागर में गिरती है, यही ब्लैक फॉरेस्ट है। यह ब्लैक फॉरेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से जो जर्मनी में अवस्थित है डेन्यूब नदी यहाँ से निकलती है। डेन्यूब नदी बहुत फेमस नदी है और यूरोप की दूसरी बड़ी नदी है। प्रथम बड़ी नदी जो है वोल्गा है, जिसका वल्दाई पहाड़ से उद्गम होता है, मैंने यहाँ लिख दिया है, प्रथम बड़ी नदी है वोल्गा जो है उसका वल्दाई पहाड़ से उद्गम है, जबकि डेन्यूब दूसरी बड़ी नदी है यूरोप की, और वह जो है आपको यहाँ से आपको ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, और यह ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकल करके ये ब्लैक सागर में ही गिरती है। दोनों ब्लैक है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सागर में गिरती है, इसी आपको ध्यान रखना है, दोनों ब्लैक है ध्यान रखिएगा। और यह 10 देशों से बहते हुए गिरती है, इसको ध्यान रखिएगा, जर्मनी में अवस्थित है। दूसरा जो है आपको यहाँ पर जो है आपका टोरस पर्वत है, टर्की में अवस्थित है, और इटली में आपको बता दें कि
कि ये एक एपी नाइन पर्वत है। एपी नाइन पर्वत, एपी मीन्स आपको यहाँ पर मैंने एक डायग्राम से समझाया, एपी नाइन पर्वत। इटली का आपका इटली शब्द को ध्यान रखिएगा, ईंट उसे ध्यान रखिएगा, और ईंट एक ईंट बना दिए हैं और उस पर नाइन है, मीन्स ईंट के ऊपर, मीन्स एपी नाइन, मीन्स ईंट के ऊपर जो है नाइन है, तो एपी नाइन मीन्स एपी मीन्स ऊपर और नाइन मीन्स नाइन। तो यह जो है ईंट, तो इटली आपका देश हो जाएगा। ये बराबर पूछता है कि एपी नाइन पर्वत कहाँ। अब एपी नाइन जो है याद करने के लिए मैंने एक तरीका बताया है, ईंट बना दिए हैं यहाँ पर और ईंट से इटली आप ध्यान रखिएगा, उसके ऊपर नाइन है, तो एपी नाइन मीन्स एपी नाइन इटली में है। इसको आप याद करने में, क्योंकि ये बराबर पूछता है और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए हमने एपी नाइन पर्वत को याद कराने के लिए बता दिया। अब आते हैं गोलन की पहाड़ियाँ, जो आपका यह गोलन की पहाड़ियाँ हैं बहुत फेमस है इतिहासों में, इसकी बड़ी चर्चाएँ हैं, प्राचीन भारत में इसकी बड़ी चर्चाएं हैं। सीरिया इजराइल के बीच सीमा रेखा, यही गोलन की पहाड़ियां है यहाँ पर, और इसके जस्ट बगल में जागरूस पर्वत है जो टर्की ईरान इराक में आपको है अवस्थित है। काराकोरम और ट्रांस हिमालय श्रेणी आपको हम लोग के भारत के उत्तरी क्षेत्रों में अवस्थित है। यहाँ पर जो है कुनलुन पर्वत है, कुनलुन पर्वत जो अवस्थित है, जो चीन में अवस्थित है, और एशिया का रीढ़ कहा जाता है, और एशिया का रीढ़ कहा जाता है, ये बराबर पूछता है परीक्षाओं में। और आपको यह बता दें कि यहाँ पर जो है ह्वांगहो नदी का उद्गम है, और ह्वांगहो नदी जो है एशिया की सबसे दूसरी सबसे बड़ी नदी में आती है। अब हम यहाँ पर जो आते हैं, यहाँ पर है अराकानयोमा पर्वत है, जो भारत और म्यांमार के बीच की सीमा रेखा को निर्धारित करती है। सर्वोच्च चोटी इसका जो है माउंट विक्टोरिया। अब हम आते हैं पुंचांग जया है, जिसके बारे में अभी चर्चा किए थे, इंडोनेशिया में है, इसको आपको इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत में स्थित है, और यह सुधीर मन पर्वतमाला की आपका पर्वत है, और इसको पुंचांग जया को एक और नाम है कारस्टेंस शिखर के रूप में भी जाना जाता है। तो इतनी बात अगर आप लोग जान गए हैं, तो आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब, और इसको शेयर करेंगे, और इसके अलावे जो हैं आप इसको बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे। एक बात और हम आपसे कह रहे हैं, जो लोग हमारे ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9334203592, 9334203592। जो लोग ऑनलाइन क्लास जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध करा रहे हैं, YouTube पर आपको सारी सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोगों का प्रणति IAS ऑनलाइन का हम लोगों का ध्येय है कि आपको सारे नोट्स भी प्रोवाइड करें, और सारे आपको नोट्स को प्रिंट रूप में भी दें, और आपको PDF के रूप में भी आपको दे, जो आप मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर में आसानी से देख के समझ सकते हैं। तो और इसके अलावे जो है आपको हम आपको प्रत्येक दिन का जो घटनाक्रम है उसके बारे में भी टेलीग्राम चैनल के द्वारा दे रहे हैं, इसलिए आप लोग जरूर से ही आप इसको देखिए, जहां दिक्कत होगी प्रश्न पूछिए। चलिए आज का क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।